नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे निसान डस्टन गो का। इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इसके फीचर्स और प्राइस के बारे में और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो पूरा डिटेल रिव्यू है, शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो जान जाएंगे इसके फीचर्स और प्राइस के बारे में, क्या प्राइस है और क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं। कंपनी फिटेड फ्रंट में आपको हाइलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में इंडिकेटर। फॉग लैम्प नहीं आते इसमें, आप आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हैं फॉग लैम्प। और ये फ्रंट लुक देख रहे हैं आप गाड़ी की। फ्रंट से अगर हम ग्रिलों की बात करें तो फ्रंट ग्रिल ब्लैक ही दी गई है इसमें, और साइडों में क्रोम फिनिश दी गई है। ग्रिलों के साइडों में क्रोम फिनिश मिलेगी देखने को। और डेस्टन गाड़ी है तो उसका लोगो भी आपको दिया गया है ग्रिलों के ऊपर, तो फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे इसमें आपको फुल व्हील कवर दिए गए हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जिनका साइज़ है 165/70R। 14 इंचेस के व्हील दिए गए हैं, ट्यूबलेस टायर मिलेंगे आपको इसमें। फेंडर पर इंडिकेटर दिए गए हैं और साइड मिरर आपको बॉडी कलर ही दिया गया है इसमें देखिए, और डोर हैंडल भी बॉडी कलर ही दिए गए हैं इसमें। तो ये साइड प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी के, साइड प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे इसके डायमेंशन की, तो इसमें आपको लेंथ है इसकी 3788 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1636 mm की, हाइट है 1507 mm की इसकी हाइट है। व्हील बेस है 2450 mm का इसका व्हील बेस है। कर्व वेट है 846 kg का इसका कर्व वेट है। बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। टर्निंग रेडियस है 4.6 मीटर का टर्निंग रेडियस है। बात करें सस्पेंशनों की, तो इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्टड टाइप दिए गए हैं, रियर सस्पेंशन ट्विस्ट बिम टाइप दिए गए हैं रियर सस्पेंशन। और ये रियर प्रोफाइल से भी देख लेते हैं एक बार गाड़ी को। ये रियर प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की, रियर प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे माइलेज की, तो इसमें आपको 20 KMPL की माइलेज मिलती है जो कि कंपनी क्लेम करती है, तो बहुत ही बढ़िया माइलेज है इसकी। हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है रियर में, डेस्टन की बैजिंग दी गई है क्रोम फिनिश के साथ, गोक की बैजिंग भी दी गई है क्रोम फिनिश के साथ। LED टेल लैंप दिए गए हैं इसमें, और साथ में ही रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जो कि रियर बम्परों पे देख ही रहे हैं आप। 4 पार्क सेंसर मिलते हैं आपको रियर के बम्परों पे। और ये दूसरे साइड की प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की, दूसरे साइड से भी बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई, यानी 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें। बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं, ABS विद EBD, BA यानी ब्रेक असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। बात करेंगे कलर वेरिएंट की, तो 6 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है ये गाड़ी, ऑरेंज, ब्लू, सिल्वर, वाइट, रूबी, ग्रे। 3,75,000 से लेकर 6,18,000 इसका एक्शन प्राइस है, डेली का प्राइस है जो मैंने आपको बताया। रूफ पे एंटीना दिया गया है, और यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे, फ्यूल भरवाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें। और चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। तो ड्राइवर साइड यहाँ सीट के नीचे 2 लीवर दिए गए हैं फ्यूल डोर और बैक डोर खोलने के लिए, तो हम बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं दी गई है देखिए, तो रियर पार्सल ट्रे इसमें कंपनी फिटेड नहीं आती। और बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया है इसका, बूट स्पेस की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आपको इस गाड़ी में। और स्पेयर व्हील आपको 14 इंचेस का ही दिया गया है इसमें, और ब्लैक ही दिया गया है स्पेयर व्हील देखिए, ब्लैक मिलेगा। और इसमें आपको बूट स्पेस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस, 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको, 265 लीटर का। रियर सीटों को फोल्ड कर सकते हैं आप,
और ये सीटों को अगर फोल्ड कर लेते हैं तो और भी बढ़िया बूट स्पेस आपको मिल पाएगा इसमें, तो और भी अच्छा खासा सामान आप इसमें रख सकते हैं रियर सीट को फोल्ड करने के बाद। चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में। तो रियर डोर के इंटीरियर में आपको अपोस्ट्री की बात करें तो पूरी ब्लैक ही दी गई है इसमें, और डोर ट्रिम इसमें आपको मैनुअली सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है, सिल्वर फिनिश मिलेगी आपको डोर ट्रिमों पे। पावर विंडो भी दिया गया है इसमें, रियर के दोनों डोर पावर विंडो दिए गए हैं साथ में ही। बोतल रखने का स्पेस नहीं मिलेगा, ना ही स्पीकर का स्पेस दिया गया है इसमें डोर ट्रिमों पे। तो अपोस्ट्री पूरी ब्लैक ही दी गई है, और इनके हेड आपको नहीं दिए गए हैं इसमें, यानी हेडरेस्ट नहीं मिलते आपको इनमें। फिक्स्ड दिए गए हैं हेडरेस्ट इसमें, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। और ये वाला डोर भी आपको इनसाइड हैंडल सिल्वर, पावर विंडो दिया गया है, यहाँ पे 1 लीटर की बोतल रखने का स्पेस दिया गया है। देखिए तो 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं आप इसमें आसानी से, बहुत ही बढ़िया लेग रूम है। फ्रंट सीटों के हेड भी आपको फिक्स्ड दिए गए हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे फ्रंट सीटों के हेड इसमें। ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में, और जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? वो फ्रंट डैशबोर्ड का लुक देख रहे हैं आप, ऑल ब्लैक दिया गया है जो कि अपोस्टी से मैच करता हुआ दिखेगा फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। और रियर के डोरों में चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है इसमें। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। तो इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है ये वाला डोर भी, चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं इसमें ऑटो के साथ। लॉक अनलॉक शीशों को लॉक कर सकते हैं आप, सिल्वर फिनिश दी गई है, और साथ में ही बोतल रखने का स्पेस दिया गया है इसमें फ्रंट के डोर ट्रिमों पे। साथ में स्पीकर दिए गए हैं, दो ही स्पीकर मिलते हैं आपको फ्रंट के डोर ट्रिमों पे। ये ड्राइवर सीट देख रहे हैं आप, जो कि इसमें आपको ओनली बैक एडजस्ट मिलती है ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी ड्राइवर सीट आपको इसमें, ओनली बैक एडजस्ट दी गई है। राइट साइड में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं। साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, नीचे आएंगे तो आपको हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं, जो कि आपको मैन्युअली हेडलाइट लेवलिंग करेंगे आप इसमें। बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें आपको सिल्वर फिनिश दी गई है स्टीयरिंग व्हील पे, और SRS एयरबैग दिया गया है इसमें 3 स्पोक व्हील के साथ। और इसमें आपको राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बात करेंगे MID की, तो इसमें आपको छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी। दो AC वेंट्स दिए गए हैं सेंटर में, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको टच स्क्रीन दिया गया है, AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, हजार्ड का स्विच भी यहाँ पे दिया गया है। और बात करेंगे गियर लीवर की, 5 फॉरवर्ड लीवर्स के साथ दिया गया है गियर लीवर, सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, कप होल्डर यानी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा आपको कंसोल पे गियर लीवर। और यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स दिया गया है जो बहुत ही बढ़िया स्पेस ही है। स्पेस की प्रॉब्लम आपको फ्रंट के डोरों पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बोतल वगैरह रखने का स्पेस दे दिया गया है फ्रंट के डोरों पे। और फ्रंट में आपको सनवाइज़र दिया गया है, रीडिंग लैंप IRVM नॉर्मल दिया गया है, को ड्राइवर साइड सनवाइज़र विंडशील्ड मिरर वगैरह नहीं मिलेगा। और चलते हैं अब इंजन रूम में। तो आ गए हम इंजन रूम में, हुड खोल लिया है हमने। तो यहाँ पे आपको इनसाइड हुड के इनसाइड ये कवर देख रहे हैं आप, जो कि इंजन की वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, जो कवर आपने देखा। एक साइड की बैटरी दी गई है इसमें, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें देख रहे हैं आप। और ABS भी इसका यहीं पे दिया गया है, इंजन रूम में ABS भी दिया गया है, जिसे कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम कहते हैं। और बात करेंगे इंजन की, तो इसमें आपको 1198 CC का इंजन दिया गया है, पेट्रोल इंजन है ये। बात करेंगे पावर की, 67 BHP की पावर मिलेगी आपको, 5000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, 104 Nm की टॉर्क मिलेगी 4000 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू निसान डेस्टन गो का।
ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते। इस वीडियो को फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षा चलिए। धन्यवाद।